इतिहास में जो लंबा इतिहास है, स्वाधीनता के पहले भी इस देश में चुनाव होते रहे, मगर विगत 80-90 सालों के भारत के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के इतिहास में पहली बार किस तरीके का क्राउड सोर्सिंग करते हुए, जनता के पास जाकर उनकी आकांक्षाओं को समाहित करते हुए एक एजेंडा विकास का बनाने का काम अत्यंत बहुत ही बुनियादी स्तर से अगर कोई पार्टी कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसलिए ये जो समृद्ध मध्य प्रदेश का अभियान है, जिसमें लोगों तक जाकर उनके सपनों को साकार करने के लिए उनके सुझाव लेकर जो एजेंडा बनाने का काम हम कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि अपने आप में एक अनूठा और विशिष्टतापूर्ण कैंपेन है, जिसकी सफलता हमें बिल्कुल दिखाई दे रही है, जिस पद्धति से लोग इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। भोपाल में पुनः एक बार स्थापित करना है, और आइए आप हमारे साथ आए, कमल का बटन दबाए और बीजेपी को वोट दें। इस पद्धति से आने वाले काल में भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान है अनफोल्ड होगा, आप तक आएगा, उजागर होगा, लोगों तक हम जाएंगे और एक नए आत्मविश्वास के साथ लोगों तक पहुँच कर वोटों की प्रार्थना करेंगे। मैं मानता हूँ कि ये चलता रहता है राजनीति में, और हम तो सारे संतों का आदर करते हैं जो हमारे साथ है और हमारे हमें छोड़ कर गए हैं, सबके प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना है, क्योंकि संत ये व्यवस्था ही ऐसी है।